मैं हूँ पर्ल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक अच्छी सी ड्राइंग जो हम ऑयल पेस्ट कलर से बनाएंगे। और ये इसमें बहुत थोड़ी चीजें आपको चाहिए, सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको चाहिए एक A4 शीट, कुछ ड्राइंग कलर्स ऑयल पेस्टल और एक टेप। हो सके तो आप डॉक्टर टेप भी ले सकते हैं, बट ये सिंपल टेप भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टेक अ टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ टेप। आपको अपनी शीट को इस तरह इस टेप पे टेप से चिपकाना है, पर ध्यान रहे इक्वली ये टेप चिपके, वरना आपकी ड्राइंग में प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब आप ये चिपका दें तो आपको इसकी सारे साइड्स को ऐसे ही चिपकाना होगा। आपको इसकी एक कर्व क्लियर बनानी है ऑयल पेस्टल कलर्स के, पर ध्यान रखें ये ऑयल पेस्टल कलर्स आप पूरी लेयर पे ना करें। इसे ध्यान से आप अपने ऑयल पेस्टल कलर्स से यहाँ पे वो लेयर में कलर अंदर कलर कर लें, पर ये ध्यान रखें कि वो कलर ज्यादा ना बाहर जाए। अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं रेड कलर, और रेड कलर मेरा फेवरेट है और ये अच्छा भी है। ये कलर दूर से ही हम देख सकते हैं। जब आप इसकी लेयर बना लें तो उसके बाद अगले कलर की भी लेयर बनाना ना भूलें। देखिए अभी मैंने इसमें एक लेयर बना ली। अब आपको कुछ हिस्सों से इसे डार्क कलर करना है कि बाद में हम इसे अच्छे से कलर कर दें, क्योंकि हमें इसे पेट से थोड़ा फैलाना है। अब नेक्स्ट कलर होगा ऑरेंज। इसके लिए भी आप बना लें। और इसे भी रेड वाले रेड कलर की तरह ही थोड़ा सा बड़ा कर ले। थोड़ा सा डार्क कर ले ऑरेंज कलर को। और अब लास्ट कलर होगा येलो। और अब आपको जब नीचे की जमीन बनानी है तो उसके लिए आपको यूज करना है ये ब्लैक कलर। आप जैसे चाहे नीचे का जगह आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, पर आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अब जो जगह बच गई है आप उसे येलो कलर से दोबारा से कलर कर दें, पर ये ध्यान में रखें कि येलो कलर ब्लैक के अंदर ना जाए, क्योंकि इससे ये देखिए यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। और अब छोटा सा पेपर का पीस थोड़ा सा लेके इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर इसे धीरे धीरे इस कलर को फैला लें। इससे जो आपके नीचे की खाली सी जगह होगी, जो पार्ट आपका अच्छे से कलर नहीं होगा, वो जगह भी कलर्ड हो जाएगी। ये जो लाइन है आपको इसे धीरे धीरे स्प्रेड करना है, और ये ध्यान में रखें कि कलर बाहर ना जाए। और आप हर कलर को अलग अलग पेपर से करें, वरना वो कलर मिक्स हो जाएगा और आपकी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी।
ट्रीज और ग्रासेस बनाने, तो उसके लिए हम एक ब्लैक मार्कर यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्री बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ भी थोड़ी ब्रांचेस बनानी है, जिससे आपका ट्री एकदम नेचुरल लगेगा। अगर आपकी कोई भी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जाए तो उसकी तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमें इसके अंदर बाद में ब्लैक मार्कर से कलर करना है। तो दोस्तों अब हम लीफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अब जब हमें जो लाइंस नहीं चाहिए थी वो यहाँ कैसे कवर हो गई हैं। तो अब आपको वो एंड्स जो ब्रांचेस के एंड हैं आपको वहाँ पे लीव्स बनाना स्टार्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही एग्जांपल के तौर पे बना चुका हूँ। इससे आपको ट्री की शेप नजर आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये पूरी आपको लीफ बनानी है, पर ध्यान रखें ज्यादा फास्ट मत करना, क्योंकि इससे आपका स्केच थोड़ा खराब, आपकी ड्राइंग थोड़ी खराब हो जाएगी। देखिए ये हमारा ट्री तैयार है, बट ये जगह भी थोड़ी खाली लग रही है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे भी एक पेड़ बना देती हूँ, एक दो ट्री। ये ट्री आपको साथ साथ ही बीच में कलर करते रहना है इस ट्री में। जैसा आप देख सकते हैं ये विदाउट लीव्स ट्री है। और अब हमें यहाँ एक व्हाइटनर लेना है और यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं, जिससे ये ऐसा लगेगा कि ये स्टार्स हैं। तो ये हम बना रहे हैं स्टार्स। आप जैसे चाहे वैसे स्टार्स बना सकते हैं, चाहे तो आप दूसरे शेप में भी स्टार्स बना सकते हैं। थोड़े से आप स्टार्स ऐसे बनाएं डॉट्स और उन्हें थोड़ा सा फैला लें, ऐसा लगेगा ये मीटियोर्स हैं।
और जिससे ये असली स्काई का इफेक्ट थोड़ा सा हमारी इस पेंटिंग में आएगा। अब दोस्तों, मुझे इसमें कोई चीज की कमी लग रही है, आपको भी लग रही है? ओह, इसमें हमें ग्रास बनानी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं छोटी छोटी ग्रास बनाऊंगा, फिर हम बड़े प्लांट से बनाएंगे। यहाँ दोस्तों ग्रास बना ली है, बस इसे थोड़ा सा यहाँ से कर्व में भी ग्रासेस बना ली, और फिर इसमें आपको बड़े प्लांट्स बनाने हैं। तो दोस्तों, हमारी पेंटिंग पूरी हो गई है, और अगर आपको हमारी पेंटिंग पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चाहे तो ये ट्रीज ऑयल पेस्ट कलर से भी बना सकते हैं, इससे ये ज़्यादा डार्क लगेंगे और अच्छे लगेंगे। दोस्तों, हमें ये टेप जो हमने साइड पे लगाई थी बाउंड्री के लिए, वो धीरे धीरे से रिमूव करना है, और ध्यान रखें क्योंकि ये दूसरी टेप है, ये आप धीरे धीरे ही निकालें वरना आपकी पेंटिंग खराब हो सकती है। इसे धीरे धीरे उतार दें। हमने टेप धीरे धीरे ऐसे उतार ली, और देखिए आपकी पेंटिंग को एक स्क्वायर शेप मिल गई है, एक रेक्टेंगल शेप। लगी आपको मेरी ड्राइंग? कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। आपको हमारी वीडियो के सारे न्यू आपको हमारे चैनल की सारी न्यू वीडियोस मिल जल्दी मिलेंगे, और मैं अपनी न्यू वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।